फ्रॉम एमएल अग्रवाल चैप्टर 9 लॉगरिथम। आज हम इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथम बना क्यों और किन्होंने बनाया। तो लॉगरिथम बनाने वाले हैं स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट हैं, जो मैथमेटिशियन हैं, उनका नाम है नेपेरियर। याद रखिएगा उनका क्या नाम है, नेपेरियर। ठीक है, कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के। तो उनके बनाने का मेन रीज़न क्या था, सपोज़ आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़े होंगे जिसमें टाइम्स फाइंड करना होता था, तो याद करिएगा, या फिर आप 8 चैप्टर्स याद कर लीजिए जो लास्ट में अभी आपने पढ़ा होगा। 8 चैप्टर्स में आपने इंडिसेस के बहुत सारे फार्मूले सॉल्व किए होंगे, जब बेस इक्वल हो, या फिर अगर आपने 2x इक्वल टू 2^5, जब बेस इक्वल हो तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं और इसकी वैल्यू हमें आसानी से फाइंड हो जाती है। जब बेस इक्वल हो तो उनकी वैल्यूएँ क्या हो जाती हैं, डाउन साइड आ जाती है, जिससे हम आंसर फाइंड हो जाए। लेकिन ये मैथमेटिक्स में जानते हैं कुछ ना कुछ तो बातें होती हैं कि सभी चीज़ें तो नहीं हो सकती ना। अगर इसी कंडीशंस पे अगर यहाँ पे 3x हो जाए और यहाँ पे 2^5 आए, 3 का आने का कोई चांस ना हो, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व तो किया ही नहीं जा सकता। तो इसे सॉल्व करने के लिए ही लॉगरिथम बना हुआ है। ये बात सबसे फर्स्ट आप याद रखिएगा, जो क्वेश्चन में बेस अगर इक्वल ना हो तो उनकी वैल्यू में अगर उनके पावर्स में एक्सपोनेंट फॉर्म पे अगर कोई वेरिएबल्स हो तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लॉगरिथम, मतलब इसको जो साइंटिस्ट थे नेपेरियर, उन्होंने ही इस लॉगरिथम का डिस्कवर किया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि उनके फार्मूले में ऐसा क्या है एग्जैक्ट। तो इनके फार्मूले एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, 9.2 में डिफरेंट है, 9.3 में भी डिफरेंट है। तो हम बात करते हैं आज 9.1 में कि लॉगरिथम को एग्जैक्ट किस फॉर्म पे राइट किया जाता है, उसकी क्या वजह है। तो सपोज हम एक कोई नंबर्स लेते हैं, जैसे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे है, फर्स्ट टू फर्स्ट आप पढ़ सकते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग लॉगरिथम फॉर्म। तो यहाँ पे दिया हुआ 5^2 इक्वल टू 25, ये क्वेश्चन है, इसे हमें लॉगरिथम फॉर्म पे बनाना है। तो लॉगरिथम फॉर्म में किस तरह से नेपेरियर ने बनाए, तो चलिए उसे देखते हैं। ये तो हमें क्लियर है कि 5^2 यानी 5 को 2 टाइम्स इंटू करें तो 25 होगा। अगर लॉगरिथम में बात करें तो ये 5 क्या हो गया, ध्यान समझिएगा, 5 यहाँ पे क्या है, बेस। ध्यान समझिएगा ये क्या है, बेस। ये आपका क्या हुआ, इंडिसीस, या फिर आप पावर बोल सकते हैं, इंडिसीस। ठीक है, ठीक है, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, पावर। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि आप जल्द से जल्द कैसे इसे सॉल्व कर पाएं, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और ये क्या हो जाता है, जो फाइंड हमें नंबर फाइंड होता है, तो इसे हम बोल सकते हैं नंबर। क्लियर, ये तो हुआ बातें कि बेस, इंडिसेस एंड नंबर जो हम सॉल्व करते हैं। अब लॉगरिथम में लॉग के फॉर्म पे इसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो आप देखते हैं। ठीक है, तो इसका पहले फार्मूला हम यहाँ पे शो करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखिए आपको एक ट्रिक दे बता रहे हैं, जैसे 5^2 = 25 है, तो आप ये 25 को इस साइड कर लें तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो फार्मूला आप एग्जैक्ट ये हो जाएगा, m = x^n। ये हुआ एक नंबर फॉर्म पे, हम इसको फार्मूला में पुट अप कर रहे हैं, m = x^n। तो अगर हम लॉगरिथम में इसे यूज़ करें तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं वो ध्यान समझिएगा। तो हम इसे राइट कर सकते हैं लॉग x, ये x आपका यहाँ पे होगा और m अपनी प्लेस पे ही होगा, इक्वल टू ये पावर आपका डाउन साइड हो जाएगा। क्लियर, इसे रीड कैसे करते हैं, तो आप बोलेंगे log ऑफ x, या सॉरी log ऑफ m, क्या बोलेंगे, log ऑफ m टू द बेस x। ध्यान समझिएगा, log ऑफ m टू द बेस x इक्वल टू n, हम यहाँ पे राइट भी कर देते हैं log of m to the base is equal to n। ये बात याद रखिएगा, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फॉर्म कहाँ पे है। देखिए द log of m ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म पे है, log और m के बीच में, इंटू का साइन, m टू द बेस, बेस क्या है, बेस x, क्या है, बेस x, तो हमने यहाँ पे राइट नहीं किया है, ये हो गया आपका x, ये हो गया बेस, इज इक्वल टू n, ये आपका n हुआ। तो n क्या है, n यहाँ पे
क्या है आपका एन इंडिसीज जो पावर है, ठीक है। अब इसको ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं कि हम जल्द से जल्द इसे कैसे समझ पाएं। तो ध्यान समझिएगा, आपका क्वेश्चन क्या है, एम इक्वल टू, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एम इक्वल टू एक्स पावर एन। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे इस तरह दिया हुआ है, फाइव स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आप इसे अपोजिट लिख लें। अपोजिट लिखेंगे तो आपको ज़्यादा वेस्ट होगा। कैसे, देखिए पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको फाइव स्क्वायर दिखाएंगे। एम इक्वल टू एक्स पावर एन राइट कर लिए। जब आप कन्वर्ट करेंगे लॉग फॉर्म पे, तो आप यहाँ पे लॉग कर लीजिए ना, लॉग कर लिए। देखिए एम उसी प्लेस पे है, एम आप यहाँ पे रख दीजिए, इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पावर एन, तो वो पावर एन को आप डाउन साइड कर दीजिए यहाँ पे एन। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि एक ही प्लेस बचा है जहाँ हम राइट नहीं किए हैं, वो कौन सा प्लेस, ये प्लेस। तो ये एक्स को आप यहाँ पे ले आइए, बस आपको सिर्फ एक ही प्लेस को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसे इस साइड राइट करते हैं एक्स पावर एन इक्वल टू एम, तो थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, जो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये दिया हुआ है। कैसे भाई, लॉग ये एक्स को आपको डाउन करना पड़ेगा, फिर एम को इधर लाना पड़ेगा, ये आपका एम, और ये जो पावर है वो आपका यहाँ आएगा। तो आपको जैसी इच्छा, लेकिन आप इसे अपोजिट कन्वर्ट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए दिखाते हैं कैसे। जैसे आपका फर्स्ट नंबर है 5 to the power 2 इक्वल टू 25, ये आपका फर्स्ट नंबर है, इसे लॉगरिथ फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखिए हमने आपसे यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे आपका फर्स्ट आप लॉग कर दीजिए, ठीक है। लॉग करने के बाद इसे अपोजिट, क्योंकि हमने अपोजिट नहीं किया, इस फॉर्म पे किया, थोड़ा सा अपोजिट कर दिया हम इस फॉर्म को यहाँ पे कर दिए। चलिए इसे चेंज करते हैं, इसे 25 कर देते हैं, इसे 5 के स्क्वायर कर देते, इसे कट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर, हमने अपोजिट कर दिया। क्वेश्चन पे आपका क्या है, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, हमने 25 को इधर कर दिया, 5 स्क्वायर इधर कर दिया। अब गौर से आप देखें, हमने यहाँ पे क्या बताया था कि आप लॉग करें, 25 को वहीं पे कर दें, इक्वल टू पावर जो है उसे डाउन कर दें 2, और ये जो 5 है इसे आप यहाँ पे पुट कर दें, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी होगा लॉगरिथम फॉर्म पे। क्लियर। जिसे आपका सेकंड नंबर दिया है 8 to the power 5 इक्वल टू 64, तो इसे आप अपोजिट राइट कर लें। अपोजिट राइट कैसे, 64 इधर कर लें, 1 power 5 इधर कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्स पावर को हम किस में चेंज कर रहे हैं, लॉग फॉर्म पे। लॉग फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए लॉग कर लीजिए, 64 को उसी प्लेस पे कर दीजिए, पावर जो आपका इंडिसीज है उसे आप डाउन साइड कर दें, और जो यहाँ पे ए, अब आप क्लियरली लिख सकते हैं कि इसे यहाँ पे राइट करें। तो हम इसे क्या राइट करें, रीड करेंगे, लॉग ऑफ, यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, लॉग ऑफ 64 टू द बेस ऑफ क्या हो जाएगा, ए, बेस आपका ए हो गया, इज इक्वल टू इंडिसेस, या फिर आप एन बोल सकते हैं, या इक्वल टू 5 बोल सकते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, log of 64 टू द बेस ऑफ ए इज इक्वल टू 5। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड में आपका 100 आप इधर कर दें और 7 to the power x को इधर कर दें, तो आपके लिए इजी होगा। log यहाँ पे आप 100 कर सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डाउन साइड हो जाएगा पावर, और ये 7 को आप यहाँ पे राइट कर लें। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, देखिए हमने इसे अपोजिट फॉर्म पे राइट किया है, तो लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग यहाँ पे आप 1 कर दीजिए, पावर जो है वहाँ पे आ जाएगा 0, और 9 यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब 6 power 1 इक्वल टू 6 ही होता है। देखिए 7 to the power x इक्वल टू 100 नहीं होता, क्योंकि 7 का हम जितने भी टर्म से मल्टीप्लाई करें 100 का भी नहीं होगा, लेकिन एक फॉर्म है, इस फॉर्म को हमको लॉग में फॉर्म चेंज करना है बस। जैसे 1 power 5 इक्वल टू 64, तो किसी भी नंबर का पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई, तो 64 का भी नहीं होगा, 36 होगा, तो 2 to the power 6 इक्वल टू 64 होता है, बट 5 में 64 पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें कन्वर्ट करना था, हमने कर दिया, ठीक है। चलिए इसे भी करते हैं, तो log 6 ये राइट है, 6 power 1 इक्वल टू 6, और ये आपका पावर यहाँ आ जाएगा, और 6 डाउन साइड, ठीक है। तो इसे क्या राइट करेंगे, log ऑफ 6 टू द बेस ऑफ 6 इज इक्वल टू
वन। नाउ सिक्स नंबर, चलिए सिक्स नंबर कन्वर्ट करते हैं लॉग फॉर्म पे। तो लॉग ये आपका बेस हुआ वन अपॉन नाइन, पावर यहाँ पे क्या है माइनस टू, माइनस टू यहाँ पे कर दीजिए और ये थ्री आपका बेस में हो जाएगा, ये आपका थ्री ये कन्वर्ट हुआ। चलिए सेवन नंबर देखते हैं लॉग, या हमने अपोजिट फॉर्म पे कर दिया। तो चलिए अगर आप अपोजिट फॉर्म पे उसी वे पे करना चाहते हैं तो किस तरह आप राइट करेंगे लॉग, आप ये जो बेस है ये आपका वहीं पे रहेगा, लॉग के पास आ जाएगा, इक्वल टू पावर क्या है माइनस टू और टेन आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। नाउ एट नंबर, अब देखिए हमने इसे फिर अपोजिट फॉर्म पे नहीं राइट किया तो लॉग फॉर्म पे चेंज करेंगे, तो आप इस साइड भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर बैक साइड से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम। देखिए लॉग 27 कर दीजिए आप, इक्वल टू पावर, पावर आपका यहाँ पे आ जाएगा 3/4, और जिनके पावर होता है बेस वो लॉग के डाउन साइड होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 81, ये आपका सोल्यूशन वन कंप्लीट। नाउ सेकंड नंबर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हमको चेंज करना है लॉग से नंबर फॉर्म पे, किसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे। तो चलिए देखते हैं हमको यही राइट करना है, हमने आपको क्या बताया कि अगर एन इक्वल टू एक्स पावर एम है अपोजिट फॉर्म पे, तो राइट हमने क्या किया था यहाँ पे, हमने लॉग कर एन कर देते थे इक्वल टू जो पावर होता था वो डाउन साइड हो जाता था, ये पावर हो गया, और जो बेस होता था वो यहाँ पे होगा, क्या होगा बेस, ठीक ओके। तो बेस बेस अब यहाँ पे देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमें नंबर फॉर्म पे करना अपोजिट, तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है एक्स है राइट, यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे एक्स है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या है टू, तो टू हो गया आपका बेस, हम इस फॉर्म पे कर रहे हैं बेस के जगह में एक्स हो गया, ये क्या हो गया एक्स, अगर आप राइट करना चाहते हो देख सकते हैं। एम क्या है उसके पावर, तो पावर कहाँ हो जाता है डाउन साइड, ये आपका पावर हुआ जिसे हम इंडिसेस बोलते हैं, तो ये हो गया आपका पावर। अब इक्वल टू ये क्या है एन, जो लॉग के बगल में होता है लॉग ऑफ एम या लॉग ऑफ, यहाँ पे जो वैल्यू होती है लॉग ऑफ एन वो क्या है आपका 32। सिंपल, मतलब आपको क्या करना है, ये जो आपका फाइव है वो पावर का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम सेकंड नंबर पे देखते हैं तो ये जो फोर है वो पावर का प्लेस है, ये जो डाउन साइड है वो है बेस का प्लेस, किसका प्लेस बेस, उसे क्या बोलते हैं बेस, तो ये हो गया आपका बेस, तो आप यहाँ पे कर दीजिए बेस 3^4, और ये जो लॉग ऑफ 81 है वो आपका बगल पे ही आ जाएगा। देखिए अपोजिट से अगर हम फिर से इसे बनाएं तो हमने आपसे क्या बताया था कि पावर यहाँ पे हो जाता है और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा लॉग के डाउन साइड, 81 वहीं का वहीं है, क्लियर। नाउ थर्ड नंबर, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो चलिए हम फार्मूला को फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसे लेके, ये क्या है 2^5 इक्वल टू 32, ये क्या हो गया आपका 2^2, ये हो गया आपका बेस, समझिएगा क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है नंबर होता है ना, क्लियर। अब इसको हम चेंज करते हैं, पहले मान लीजिए फर्स्ट नंबर अभी हम क्लियर कर रहे हैं, इसे हम चेंज करते हैं लॉग फॉर्म पे। तो लॉग का रूल्स क्या होता है, लॉग डाउन साइड में हम जो टू राइट किए हैं वो टू क्या है बेस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बेस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेस के बगल में जो आपका 32 है वो क्या हो गया आपका नंबर, तो यहाँ पे आप नंबर कर लीजिए इक्वल टू, यहाँ पे प्लेस हो जाएगा आपका पावर, तो ये आपका फार्मूला हुआ दोनों साइड से, जब नंबर से आपका सोलूशन नंबर से आप लॉग में करेंगे तो ये अप्लाई करेंगे, और जब आप लॉग से इसे फॉर्म में करेंगे तो आप इस फॉर्म पे करेंगे, तो ये हो गया आपका फार्मूला। तो चलिए थर्ड नंबर, चलिए अब आपका कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ये आपको लॉग फॉर्म पे है, हमें चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे। बेस कहाँ पे है बेस देखिए, इसमें बेस कहाँ है ये है, तो थ्री कर लीजिए। बेस पावर, पावर इसमें कहाँ है इक्वल के इधर, पावर क्या है यहाँ पे माइनस वन, इक्वल टू, इक्वल टू के इधर क्या है नंबर, नंबर इसमें कहाँ पे है ये है आपका नंबर, तो ये प्लेस किसका हुआ 1/3। अब तो क्लियर हो गया, ये आपका आंसर हुआ। फोर्थ नंबर में देखते हैं बेस, बेस कहाँ पे होता है इसमें डाउन साइड 3, पावर, पावर आप देखिए इक्वल के इधर, पावर हो गया 2/3, इक्वल टू, इक्वल टू इधर नंबर, और नंबर प्लेस क्या है लॉग ऑफ नंबर, तो नंबर यहाँ पे 4 है। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं,
लॉग्स बेस, तो बेस इसमें क्या है, ये प्लेस है 8। पावर, पावर इधर होता है 5/3 इक्वल टू यहाँ पे आपका 32। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए 6 नंबर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेस, बेस कहाँ पे है, ये है, तो यहाँ पे डाउन साइड देखिए 10। पावर, पावर इधर होता है 3 इक्वल टू, अब जो आपका सेफ हुआ उसे आप राइट कर दें, ये आपका सोल्यूशन होगा। 6-7 नंबर बेस डाउन साइड होता है 2। पावर -2 इक्वल टू 0.25। इसमें भी आप देखिए बेस आपका ए है, पावर इक्वल के इधर होता है 1 इक्वल टू, और ये आपका होगा लॉग ऑफ ए, वो आपका नंबर है 1/a। तो आपका ये सेकंड नंबर कंप्लीट हुआ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।